हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और ये देख लीजिए, सुबह का समय हो रखा है और हमारी बन चुकी है चाय। चाय तो पहले बन चुकी थी, इसको मैं गर्म कर रही हूँ क्योंकि सैंडविच बना रही हूँ साथ में। सैंडविच बनाते बनाते मेरी चाय ठंडी हो गई थी तो दोबारा से उसको गर्म किया है और ये हमारा सैंडविच तैयार है। आज हमने सैंडविच का नाश्ता किया था और हमको क्योंकि बहुत सारा काम था तो मैंने कहा कि मैंने सोचा सारा सब कुछ आपके साथ सुबह से शाम तक का रूटीन शेयर करूँगी। तो सुबह हमने फटाफट से ये खा लिया सैंडविच, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला मैंने, टमाटर प्याज और वे ये है बटर बस, और सॉस और चाय के साथ खा लिया था हमने और बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखो, ये टूट गई थी ब्रेड निकालते निकालते, तो कोई बात नहीं, वो तो सेट हो जाएगी। और ये देख लीजिए, हमारी सैंडविच तैयार है दोस्तों और हमने खाना वाना अपना नाश्ता वगैरह हो गया है और हमने शुरू कर दिया है अपना काम। तो बैड की सफाई नहीं हो रखी थी और सावन का महीना भी आपको पता ही है कैसा होता है, सीलन सीलन वाला, तो हमने सोचा कि सफाई कर लेते हैं बैड की और फिनाइल की गोलियां भी डाल देते हैं, सारे कपड़े झाड़ झूड़ के सेट बना बना के अच्छे से हमने रख दिया था। ऐसे नहीं तो पूरे कपड़े ना फैले हुए थे, छोटे बच्चे में ना हो नहीं पाता दोस्तों। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप समझ सकते होंगे कितनी परेशानियां होती हैं। बहुत बच्चों को भी संभालना होता है, काम भी करना होता है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों सपोर्ट की। अगर अच्छी लगती है तो ओके, समझ गए होंगे आप। और मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती, ये दुनिया, इस दुनिया बहुत बड़ी है दोस्तों, किसके माइंड में क्या क्या चलता रहता है किसी को नहीं पता, तो आप मेरी बात समझ सकते होंगे। और ये देख लीजिए, मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहती है, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा हेल्प करवाते हैं मेरी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, पता है आपको। ये देख लीजिए, मेरी साड़ी फोल्ड कर रहे हैं, कह रहे थे कि सपोर्ट करें दोस्तों, लाइक एंड शेयर। और ये मेरे हस्बैंड ने बना दिया है मेरी साड़ी और साड़ी का सेट बनाकर, मैंने ही बोला था ऐसे करके रख दो क्योंकि हमको कहीं जाना होता है तो सेट बना रहता है तो हमको आसानी से सामान मिल जाता है, नहीं तो नहीं मिलता, आपको भी पता है कितनी परेशानी होती है। और ये देख लीजिए, हमारा काम सारा हो चुका है और ये लास्ट का है और ये मेरी शादी का बेड है और ये पूरा अलग अलग हो चुका है, सारा ख़राब हो चुका है, मेरे हस्बैंड को सही कर रहे हैं, मतलब मिट्टी धूल झाड़ झूड़ के सेट कर देंगे, अभी देखना चमका देंगे एकदम। और ये हमारा पूरा ख़राब हो चुका है बेड दोस्तों। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगती है तो फिर से लाइक कर दें और हमको बेड भी लेना है आपकी मेहरबानी से, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो नया बेड भी आ जाएगा। और ये देख लीजिए, इस तरफ की सफाई हो चुकी है अब क्या हुआ बेटा, इस तरफ की सफाई हो रही है और मेरी बेटी की भी बातें सुन लीजिए, मेरी बेटी भी कुछ कहना चाह रही है। अरे बोलो बेटा। ये बहुत छोटी सी है, 1.5 साल की है मेरी बेटी। और ये देख लीजिए, गत्ता ये लग रहा है क्या, ये देख सकते हैं आप, हंसी आ रही है। ओह माय गॉड, ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। ओह माय गॉड दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नहीं नहीं, इसके पड़ोस में चलो, किचन ऐसे नहीं, इतना सुंदर बैग बना दिया है, लग ही नहीं रहा कि इसमें कुछ हुआ था। और बाबू हटो ना, घुसे। चलिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।